बिजली फिर कट गई। सुनिए जी, लाइट वाले को फोन लगाइए। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे भाई क्या तमाशा लगा रखा है, हर आधे आधे घंटे में लाइट काट लेते हो। हाँ भैया वो केबिल फॉल्ट हो गई ना, बना रहे हैं। ऐसे कैसे केबिल फॉल्ट हो गई, तुम क्यों नहीं उस केबिल के साथ फॉल्ट हो गए साले। अरे भाई क्या कर रहा है तू, चढ़ना, वैसे भी जनता मेरे साथ चढ़ रही है। अरे भाई लड़के को परमिट के लिए भेजा है, बिजली सप्लाई चालू है, जब बंद हो जब ना मैं ऊपर चढ़ के बनाऊं। अरे भैया 15 मिनट रुकिए ना, लाइन चालू होने वाली है। 5 मिनट के अंदर चालू हो जानी चाहिए, नहीं तो अभी लगाता हूँ विधायक जी को फोन। वो तो डालना ही है। अब किसका फोन है भाई? पूरे लाइनमैन, अपने बाप की जागीर समझा है क्या जो लाइट गोल करती है? काम चल रहा है। 5 मिनट में लाइट नहीं आई ना तो हम सब जाके बिजली ऑफिस में धरना देंगे। क्या लगता है यार भाई कौन सी लाइन फॉल्ट होगी? ये पूछो कौन सी लाइन में फॉल्ट नहीं है, ये लोड की वजह से पूरा का पूरा खंबा ही जल गया है। सर लाइन बंद हो गई है। अरे फिर फोन? अरे ये फोन ऑफ क्यों नहीं कर लेते आप? क्यों रे लाइन मैन, लाइन क्यों गोल कर दिए? सॉरी सर, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लाइन फॉल्ट हो गई है, लगा हूँ बनवाने में। ससुर का नाती तुझे पता नहीं है क्या, मुझे बिना एसी का कितना दिक्कत होती है। सर मैं समझ सकता हूँ कि आपको गर्मी में कितनी तकलीफ हो रही है। तुम साले कुछ नहीं समझोगे, चालू करो लाइन नहीं तो लगाता हूँ सीएम को फोन। सर आप एक काम क्यों नहीं करते, सीएम को क्यों, सीधे पीएम को फोन लगा लीजिए। भाई यार बन गई लाइन, लेकिन एक बात तेरे को बोलूं मैं, तू इतना इनके सुनता क्यों है यार? क्या बताऊं यार, तुम नहीं समझोगे, हम सरकारी नौकर हैं, हमें गाली सुननी पड़ती है। अगर पलट के हमने इनको 2 गाली दे दी ना तो ये हमारी शिकायत सीधे सीएम हेल्पलाइन में कर देंगे और हमारी नौकरी चली जाएगी। भले चाहे ये हमें माँ बहन की गालियाँ क्यों ना दे, फिर भी हमें इनसे प्यार से बात करनी पड़ती है, क्योंकि हम इनके सरकारी नौकर जो ठहरे। यार इनको समझ में क्यों नहीं आता, यहाँ लाइट अपन ने तो बंद की नहीं है तो ये एसी में बैठ के हमें गाली क्यों देते हैं? भाई हमें देखो, कड़कती धूप हो या अच्छी खासी ठंडी हो या अच्छी खासी बरसात हो, इन सारे मौसम पे हमें बराबर काम करके देना पड़ता है। इसमें चाहे हमारी जान चली जाए चाहे कुछ हो जाए, इनको लाइट चाहिए मतलब लाइट, इनको हवा चाहिए एसी चाहिए, और हमारी जान भले चली जाए कोई मतलब नहीं। पर यार ये एसी में बैठे लोग ना नहीं समझेंगे ये बातें, इसलिए तो हमने ये वीडियो बनाई है कि लाइनमैन की भावनाओं को समझें। इसीलिए हम लाइनमैन हर संभव प्रयास करते हैं कि आप तक बिजली पहुंचे। हम नहीं कहते आप हमें फोन मत लगाओ, आप हमें फोन लगाओ, लेकिन आप जब ये जान लो कि लाइन बन रही है तो प्लीज आप अपनी जवान में मधुरता लाओ, हमें गाली मत दो। और उम्मीद करते हैं आप अगली बार फोन लगाने से पहले लाइनमैन की भावनाओं को समझेंगे। चलते हैं, राम राम, वीडियो को खूब शेयर करें।